हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्क्रिप्टो आज के इस वीडियो के अंदर एक न्यू जैमक के बारे में बात करेंगे एंड देखिए अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे मीम कैन के ऊपर एक रैली हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है और के जैसे हम ने यहां पे इस वीडियो के अंदर बात किया था जब आप लोग को यहाँ पे पोपो कैट के ऊपर वीडियो दिया था जिस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बीटकैन की प्राइस एनालिस किया था प्राइस थोड़ा सा जो है कंसल्टेशन जोन के अंदर लगभग सिक्सटी से लेकर सिक्सटी के अंदर जो है मार्केट यहाँ पे चल रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है एक्सपर्ट जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो लगभग यहाँ पे 57 से लेके 56,000 जो है एक जो रैली है वो हम लोग को डाउन साइड में देखने को मिल सकता है जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन किया था एंड अभी के टाइम पर अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं जो है मार्केट के अंदर जितने भी मनी यहाँ पे आना चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा है एंड जो भी मनी यहाँ पे मार्केट के अंदर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीम कैन के ऊपर शिफ्ट होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्ट कैन के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जो है पूरी ऑल्ट मार्केट ट थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है उसके बाद में फिर से जो है एक रेड जोन देखने को मिलता है जिसके ऊपर हमने जो है लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि देखिए मार्केट के ऊपर अभी जो यहाँ पे कंडीशन है थोड़ा सा ऑल्ड की रैली हम लोग को देखने को मिला था वो थोड़ा सा यहां पे डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकता है तो इसके लिए आप लोग को जो भी ऑल्ट के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट जो है आप लोग बुक कर सकते हैं जिसके ऊपर अगर आप लोग को हमारे चैनल को देखते होंगे तो हमने कुछ कैन जैसे ब्रीड कैन हो गया एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जैसे हमने ये वीडियो भी दिया था जो आप लोग को पोपो कैट के ऊपर पोपो कैट भी एक जबरदस्त मोवमेंट के अंदर गया था एंड उसके बाद में ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के अंदर अभी यहाँ पे चल रहा है तो अभी देखिए यहाँ पे जो भी न्यू मीम कैन आता है उसके ऊपर एक हाइप बनता है तो जिसकी वजह से आज की इस वीडियो के अंदर एक न्यू मीम कैन के बारे में बात करेंगे अगर आप लोग यहाँ पे छू इन को होल्ड करते हैं तो जिसके अंदर अभी यहां पे एक अच्छा खासा बाइंग जोन था जिसके अंदर हम लोगों ने बाइंग आप लोग के साथ में करवाया था और अभी भी यहां पे एक हाइप के अंदर ये टोकन भी अभी यहां पे चल रहा है तो प्रोजेक्ट है जो न्यू प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले द कॉक फादर्स ये प्रोजेक्ट बेसिकली अभी ये मार्केट, मार्केट के ऊपर वन बिलियन से है मतलब वन पॉइंट टू बिलियन जो है मार्केट के अंदर टोकन इसके आने वाला है एंड अभी अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग यहाँ पे मार्केट कैप इसकी बहुत ही कम है एंड अभी यहाँ पे लंचिंग हुआ है एंड अभी अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कॉइन

लंच होता है तो उसके ऊपर एक हाइप बनता है एंड इस टोकन के ऊपर क्यों हाइप बन सकता है जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस टोकन की आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो बेसिकली इनकी जो है यहाँ पे इस टोकन की बेसिकली काम क्या है कि ये लोग जो है यहाँ पे एक न्यू गेम जो है आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक फाइटिंग गेम है जिसको आप लोग यहाँ पे प्ले करके कुछ अर्निंग जो है इनकी टोकन एंड एन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं अर्निंग प्लस यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा इनकी अगर रोड मैप की बात करें टोकन की सप्लाई की बात करें टोकन की सप्लाई लगभग वन 25 बिलियन जो है मार्केट के अंदर आने वाला है जिसमें से सर्कुलेटिंग के अंदर 1.2 बिलियन जैसे हमने बात किया ये आ जाएगा डेवलपमेंट के लिए इनके पास में लगभग 45 मिलियन टोकन जो है इनके पास में यहाँ पे टीम के पास में रहने वाला है एंड यहाँ पे एल पी बर्नर लॉकेट लिक्विडिटी के अंदर ये लोग कुछ यहाँ पे अभी के टाइम पे नहीं रख रहे जो बाय सेल के अंदर जो टैक्स लगता है यहाँ पे कुछ जीरो टैक्स के ऊपर ये लोग यहाँ पे काम करने वाले रोड मैप के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली इनका जो क्वार्टर वन के अंदर जो लंच टोकन है वो यहाँ पे कइन जिको एंड कैन मार्केट कैप के ऊपर काल के दिन यहाँ पे हुआ था कइन जिको के ऊपर भी काल यहाँ पे लिस्टिंग इनका हो चुका है क्वार्टर टू के अंदर इनका जो टीम है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुका है जो सी एक्स जी न्यू एक्सचेंज के ऊपर जो मेजर एक्सचेंज है उसके ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको लिस्टिंग करने वाला है तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इनका जो रोड मैप है उसको थोड़ा सा देख सकते हैं एंड इनका एन जो है वो भी मार्केट के ऊपर आने वाला है एंड इनका जो गेम है वो ऑलरेडी इनकी यहाँ पे लंचिंग हो चुका है तो देखिए बिल्कुल भी न्यू प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा होल्डर्स की बात करें तो लगभग यहाँ पे वन थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स होल्डर्स अभी के टाइम पे हो चुके हैं टोकन जैसे देख सकते हैं सोलाना के जितने भी मिम टोकन होता है उसका जो लगभग सप्लाई है वो मार्केट के अंदर यहाँ पर आ जाता है एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे होल्डर्स की तो यहाँ पर थोड़ा सा रेडियम के ऊपर जो होल्डिंग है वो लगभग एट के आसपास यहाँ पे होल्डिंग है एंड ये एक होल्डिंग है लगभग फोर परसेंट के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है एंड दोनों अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों जो है एक्सचेंज मतलब यहाँ पे जुपिटर हो गया रेडियम दोनों के ऊपर यहाँ पे लिस्टिंग है अभी के टाइम पे तो ये दोनों वॉलेट के अंदर अभी की तक यहाँ पे जो है एट एट परसेंट प्लस फोर परसेंट जो है यहाँ पे टोकन देखने को मिलेगा बाकी अग, अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे ये थोड़ा सा हो सकता है इनकी टीम के पास में ये टोकन यहाँ पे पड़ा है ज्यादा कोई टोकन जो है होल्डर्स यहाँ पे बने नहीं है तो इसी की वजह से जो है हम लोग इस टोकन के ऊपर पे थोड़ा सा कंसीडर कर रहे हैं एंड यहाँ पे अगर जीको टर्मिनल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बाइंग भी आप लोग को देखने को मिलेगा एंड जीटी स्कोर अगर आप लोग देखेंगे ट्वेंटी तक यहां पर आया है क्योंकि न्यू टोकन है ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे ग्रोथ कर सकता है एंड इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है पूल के अंदर भी थोड़ा सा डिफिकल्टी है ट्रांजैक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे जो है कंसर्न कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने को मिला है जिसकी वजह से 100 से लेके 29 इसका स्कोरिंग है तो मतलब ये थोड़ा सा जो है रिक्सी यहाँ पे हो सकता है क्योंकि देखिए मार्केट के ऊपर न्यू यहाँ पे लंच हुआ है एंड यहाँ पे देखिए बाइंग जोन की बात करें तो अभी अगर आप लोग देखेंगे जिको टर्मिनल के ऊपर इसका जो लंचिंग था वो लगभग जीरो के आसपास यहाँ पे हुआ था एंड यहाँ से लेकर जीरो तक यहाँ पे पंप हुआ था एंड अभी थोड़ा सा यहाँ पे डंप हो रहा है अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो लगभग जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो वन जो है अभी अगर आप लोग यहां पे प्राइस को देखेंगे जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फोर के अंदर यहाँ पे चल रहा है तो देखिए मेरे हिसाब से इस टोकन के ऊपर एक हाइप बन सकता है सोलाना की मीम कैन की वजह से तो इस टोकन के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे नजर रखिएगा एक जबरदस्त प्रॉफिट भी आने वाले दिनों के अंदर ये दे सकता है एंड जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनकी रोड मैप को देखा तो यहाँ पे टेयर वन एक्सचेंज यहाँ पे लिस्टिंग जो है ये लोग कर सकते हैं देखिए टेयर वन की बात छोड़ी यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे कू कन हो गया बाइबीट हो गया ऐसे एक्सचेंज के ऊपर अगर इस टोकन को यहाँ पे देखते तो मेक इसके ऊपर एक जबरदस्त हाइप बन सकता है वॉलूम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बना है लेकिन यहां पे अगर वन मिलियन की भी सिर्फ सिर्फ पे बन जाता है है तो तो आप आप लोग लोग को 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 जो प्राइस वो लगभग सेंट के आसपास को देखने को मिल जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट जो है अगर आप लोग निकालना चाहते तो इस टोकन के ऊपर थोड़ा सा रिस्क ले सकते बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं क्योंकि न्यू टोकन है इसके ऊपर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते आगे जाके ये लोग क्या कुछ करने वाले अगर आप लोग रिस्क टेकर है तो यहां पे थोड़ा सा इस टोकन के ऊपर देख सकते बाकी फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मेक्स योर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं कौन सी कैन के ऊपर आप लोग का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो मेक्स योर कमेंट बॉक्स के अंदर मैंशन कीजिएगा नेक्स्ट रिव्यू जो है हम लोग उस कैन के ऊपर लेके आने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं